अगली वीडियो में एक बार फिर खुश आमदीद। मल्टी सोलर वीडियोस के MPPT सोलर चार्ज कर फैसल कंट्रोलर देखिए, ये 9.7 9.6 RF 12.9 पे बैटरी फुल चार्ज है मेरी बैटरी। बैटरियां दोनों ये ट्यूबलाइट लगी हुई है मेरे पास, TX 2500, ये 1800 है नई, जो 230 एम्पीयर और एक 2500 है। तो ये पुरानी वाली 1800 है जो TX 2500 के नाम से अब आ रही है कंपनी ने। ये देखिए 10 एम्पीयर हो गए, 9.5। अच्छा ये इतना कम एम्पीयर क्यों आ रहा है? अब मैं आपको दिखाता हूँ मौसम। देखिए बारिश शुरू हो चुकी है, ये देखिए बारिश चल रही है और ये आपको शायद दिख भी रही हो। मौसम देखें सारा अपर आदूद, और मैं ऊपर जाके भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये कैमरे को भी बचाना पड़ रहा है। ये मेरे पैनल्स लगे हुए हैं, ये बारिश बरस रही है। इसमें से एक ये पैनल पिछली दफ़ा बारिश में उड़ के टूट गया था, ये टूटा हुआ पैनल है, वो भी एम्पियर देता है। लोग कहते हैं कि जी ये काम नहीं करता, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा इसको स्ट्रेट कर दें पीछे से कोई सपोर्ट लगा के। ये देखिए ये चल रहा है माशाल्लाह, ये 9 पैनल्स हैं और 9 ही एम्पियर दे रहे हैं, इससे 10 एम्पियर यानी 1 एम्पियर। और मौसम देखिए सारा ऊपर बारिश बरस रही है, तो बारिश में भी ये काम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि बारिश में कोई काम नहीं करते ये सोलर पैनल्स। और लोग कहते हैं कि जी ऐसे कर लो, वो वायर लगा दो, ये वायर लगा दो, DC वायर, जबकि DC कोई वायर होता ही नहीं है। उसूल यही होता है, ये समझ लीजिए कि जो भी अच्छा वायर हो वो आपके DC पे भी काम करता है। सिल्वर DC के लिए बेस्ट कंडक्टर, कॉपर इतना अच्छा कंडक्टर नहीं है DC के लिए। लेकिन बस वही बात है कि कुछ लोगों ने सिर्फ चैनल के अंदर वाहवाही हासिल करने के लिए ऐसे बातें फैलाई हैं ताकि उनकी चीज़ें बिकें। मेरा मानना तो यह है नॉर्मल तरीके से सिस्टम लगाइए और सीरीज़ के अंदर इसको कनेक्ट कीजिए, चार चार की सीरीज़ बनाइए या दो दो की सीरीज़ बनाइए और कनेक्ट कर दीजिए। मेरे पास UPS है, UPS के ऊपर मैंने फ्रिज भी चलाया हुआ है, इन्वर्टर फ्रिज है, बाकी पूरा घर चल रहा है माशाल्लाह। और ये पैनल्स हैं, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चल रहा है इस पर। ये देखिए ये इलेक्ट्रा अपोलो का मॉडल है, इलेक्ट्रा 720 वाट का, 750 वाट का ये DC कंट्रोल वो है, ये UPS है। ये देखिए मॉडल AW750 12 वाट के ऊपर, दो बैटरीज लगी हुई और इससे हमने ये चला रखा है। देखिए सारे बैटरीज फुल पावर, 230 आउटपुट दे रहा है। आउटपुट पे लोड अभी बिल्कुल नहीं है, अभी मैं आपको लोड डाल के दिखाता हूँ। देखिए अब मैंने कहा है कि फ्रिज ऑन कीजिए, बेटा फ्रिज ऑन कीजिए, मैं ज़रा दिखाऊँ आपको फ्रिज का ओरिजिनल टार्क लोड क्या होता है, और फिर मैं वो फ्रिज भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए 73, 75, 110 पे आया, 111, 112, 136, 57, 66, 72, 73, 75, 78 और ये 200 तक जाएगा। ये देखिए हायर का फ्रिज है ये, इन्वर्टर फ्रिज है, और आपने देखा ये देखिए फ्रिज चल रहा है 11 सेंटीग्रेड पे। और ये सब कहने की बात है कि जी वो इन्वर्टर लीजिए और ये लीजिए और वो लीजिए, इन्वर्टर फ्रिज ले लीजिए वो ज़्यादा बेहतर है। देखिए फुल साइज़ का फ्रिज है ये, बाकी और क्या क्या लोड चलता है इसके ऊपर वो भी मैं डिटेल से बताऊंगा। और इस फ्रिज के मुतालिक भी एक साहब ने मुझे कहा कि वीडियो बना के दीजिएगा, तो इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो बनाते हैं। बाकी फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।